अल्लाह हू अकबर। अल्लाह तो वैसे निरंजन है, काल पुरुष है। इस अगे आदतों का बारा अकबर दे तीन शब्द बच गए, का बारा कबीर। अल्लाहू अकबर भी कबीर है, खुदाबंद करीमी भी कबीर है, सज्जद अहमद भी कबीर है, जुनैद अहमद भी कबीर है, अल्लाहू अकबर भी कबीर है। क्या जाना कबीर को? इधरों सुनिया इधर निकाल दिया। कबीर शब्द के जड़े अर्थ किए जाते हैं, वड्डा शब्द किया जाता भी वड्डा है, सब तो वड्डा कबीर सब तो वड्डा शब्द है। ये आपां वाहेगुरु वास्ते शब्द नहीं वरत सकते, वाहेगुरु की याद कराने वाला भी कोई है संत सतगुरु। इस करके कैसे देश के वासी हैं, किस देश विच रहिंदे हैं, किहो जिहा देश है, महाराज जी फरमा रहे ने, ध्यान देना। मेहर महोए सो जन साधो, ऐसा देश हमारा। इस संसार दे लोको, मेरा देश ऐसा है जड़ा कि मन माया दे दायरे तो बाहर है। मेहर महोए सो जन साधो, ऐसा देश हमारा। वेदा च नहीं उहदा जिक्र, किसी भी ग्रंथ में उहदा जिक्र नहीं। वेद कतेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यार। बिन बादल जहां बिजली चमके, मेरा कैसा देश है जिस देश तो मैं आया, जेदा सुनेहा गरीब दास दी माही सानू दिता गया। वेदां कतेबां च मेरे देश का कोई जिक्र नहीं। बिना बदलां तो बिजली चमकदी है। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। बिना सीप जहां मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचार। जोत ल जाए ब्रह्म जहां दर से, आगे अगम अपारा। कहत कबीर सुनो पै साधो, ऐसा देश हमारा। बाबा नानक जी ने जदों बेई नदी के कंढे ते, वैसे असी मनते नहीं, इहदे बहुत सबूत ने। जिंदा बाबा दे रूप विच जद महाराज जी बेई नदी ते प्रगट हो गए, ते बाबा नानक जी पुछया सी तुहाडा क्या नाम है, ये जन्म साखी च है भाई वाले भाई च, मेरे को चार जन्म साखियां ने, क्या लिखते हैं महाराज जी तुहाडा क्या नाम है। उन्होंने कहा सी मेरा नाम जिंदा बाबा। जब उन्होंने वार्तालाप होया, तीन दिन वास्ते बाबा नानक जी को सतलोक लै गए। बाबा कबीर गुरपुरा है। जब सतलोक जाके देखिया, सतलोक दे विच कबीर ही परमात्मा देखिया, कबीर ही परिपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक देखिया, तो बाबा नानक जी ने एक शब्द उच्चारण किया, बाबा कबीर गुरपुरा है, बाबा कबीर गुरपुरा है, पूरे गुर के मैं बल जाऊं, जाका शकल जहूरा है, अदुदलीचे परे गुरन के छे ब्रह्मा जह छूला है, सफेत वज्जा फरात फर्क हैं बात अनहंतूरा है, पूरन कबीर सकल गट दर से। ध्यान दो, सारिया गटा के अंदर ये बाबा नानक जी कह रहे हैं, सारिया गटा के मेरा सतगुरु कबीर सारिया गटा के अंदर दस रहा है।
पूर्ण कबीर सकल गट दर्स है, बाजत अनहद धूरा है, हरदम हाल हजूर है। महाराज जी कहते ने नाम कबीर जपे बटपागी नानक चरण अधूरा है। क्या बोला उन्होंने कि मेरा गुरु कबीर, मेरे सतगुरु कबीर सतपुरुष ने, ये मानना पड़ेगा आपको कि परमात्मा कबीर साहब ही पूरे संसार का संचालन कर रहे हैं। मैं पहलू लाइन बोल के गया, कक्का केवल नाम है बब्बा बारी शरीर, रारा सामने रम रहा तिसका नाम कबीर। वो कबीर, वो परमात्मा, वो अल्लाह साढ़े अंदर है। उन्होंने की चीज़ का उपदेश दिता, दो अक्षर का भेत बतावे। वैसे तो सारे लोग कह रहे हैं ये बाबा नानक जी ने लिखा, लेकिन मेरा मानना नहीं। दो अक्षर का भेत बतावे, क्या नाम दिया कबीर ने, क्या नाम दिया नानक ने? दो अक्षर का भेत बतावे, सोई गुरु पूरा कहावे, एक छुड़ावे एक लिखावे। ओम छुड़ाएगा सोम लिखाएगा, ओम प्लस सोम, ये दो शब्द के मिलिया सतनाम वाहिगुरु। 35 अक्षरी दे विच लिखा महाराज ने, वास देव अवर न को नानक ओम सोम आत्म दो। ओम प्लस सोम ये सतनाम वाहिगुरु शब्द बनता है, सोम नीचे नू जाएगा, ओम बाहर नू आएगा, श्वासन आसी जाना, श्वासा मदे भेत हमारा जो खोजे से उतरे पा रहा। आप श्वास जाओगे, श्वास आप दे इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ सिर पर आके एक छोटा जा बिंदु रह जा उदे बिच पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा आपको। क्या जानना कबीर को, क्या जानना गरीब को? लंगर छकिया कड़ा खाधा घर में चल गए जा सौ गए। जहाँ आकर इस तीर्थ पर आकर आपने प्यासे नहीं रहना, आओ एदा विचार करिए। दो अक्षर का भेत बतावे, सोई गुरु पूरा कहावे, एक छुड़ावे एक लखावे, सो प्राणी निज कर जावे। साहब कबीर साहब जी ने अपनी बाणी च लिखिया, कहें कबीर अक्षर दो पाख, होएगा खसम लहेगा राख। दो अक्षरां दा जिहड़ा वारस सतगुरु होएगा, ओम प्लस ओम, जिहड़ा इहदी कमाई करदा होएगा गुरु सतगुरु, वह सानू सत लोक ले जा सकदा, दूसरा संत सानू सत लोक नहीं ले जा सकदा। मर्द साहब लिखा, राजवीर च पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कहते कबीर भगत है, ये भुलेखा लग गया आपको। महाराज जी लिखते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बीना, दो अक्षर दो इनाम, परम ते नानक एक न गावे, जे का सच समावा। एक शब्द बच गया सार नाम बच। इस करके भगजनों, बहुत सारे विचार करने वाले हैं। मैं 1972 तो मेरी उम्र बीत गई, अजे तक मेरे को समझ नहीं आया। मैंने बहुत कबीर को पढ़ा, बहुत गरीब को पढ़ा, पढ़िया ना गल नहीं बननी, गल अभ्यास ना बननी है, गल सिमरन ना बननी है, गल समाधि ना बननी है। तो मैं बेनती कर रहा सी, ये दो अक्षर हैं, दो अक्षरों का भेत अगर किसी साधु को सानू मिल जाए, साडा बेड़ा पार हो सकता। इस करके महाराज जी ने अपना आप दसिया, चलो मान लो कबीर साहब भगत ही हैं, उसको परमात्मा ना मानो, उसको संत सतगुरु भी ना मानो, भगत मान लो। आओ भगत दे अर्थ कर लेने हैं। भगत महाराज जी लिखते हैं, पग भोगे पग उपजे, भगते बचे न कोई, कहें कबीर जो भगते बचे भगत कहावे सोए। एक कबीर साहब लिख रहे हैं, सारा संसार माता के पेट तो जन्मिया, आ जिन्हें भी संत हैं
सारे माता के पेड़ तो जन्मे हैं, सारे बाल बच्चों वाले हैं। गुरु ग्रेही चेला ग्रेही, कैसे छुटकारा होएगा? बंदे को बंदा मिला, छुटकारा होया नहीं। पग भोगे पग उपजे, पग ते बचे ना कोई, इहदा अर्थ आप करो। मेरे को शर्मा दी, मैं इसमें क्लियर करूँ इस बात को। सारे संत माता दे पेड़ तो जन्म लिया सब ने, ते मारे ने लिया ही नहीं जन्म माता दे पेड़ तो, फिर महाराज जी बड़े ने कबीर साहब, होर बड़ा कितों कोई आ गया? ये बड़े दे अर्थ किए। मैं कई बार स्टेज ते कहना भी भाई संभल के चलो, ये समा बहुत घट है। हाड़ हरी दे सिमरन बाजों, दरगा तके खामेगा उच्ची काटी मुश्किल पैंडा, नंगे पैरी जामेगा धर्मराज लेखा मांगे पुठी खल लुहावेगा, मौज दस अमला बाजू किनू कूक सुनाएगा। भाई तू फिर किनू सुनाएगा? हुण तू सिमरन कर भजन कर ता कि तेरा कल्याण हो जाए, पर यह सुनता ही नहीं। ये कहना नहीं, ये जग मिठा अगला कहन मिठा। आओ इस चीज़ का विचार करिए। सोम ओम ये उल्टा हो गया, ये सतनाम उल्टा करके सिमरना। मैं पहलू अर्ज कर गया, सोम को नीचे ले जाओ नाभ कमल तब, जहाँ तक आओ जहाँ ध्यान नहीं करना, यहाँ ध्यान करो। सोम ओम श्वास ना जाओ, आराम ना जाओ। सोम ओम अगे तो सार नाम, सार नाम जब आते आवे हाथा, काल भगवान मावे माथा। जो सार नाम साढ़े हाथ आ जाएगा, फिर महाराज कहते ने फिर तुहानू अंदर आनंद मिल जाएगा, फिर तुहानू अंदर शांति मिल जाएगी। महाराज ने बहुत सुंदर एक जगह निर्णय किया की लिखते ने, अदर सगासन जिंदा साई। सतलोक के अंदर मेरे परपिता परमात्मा बंदी छोड़ अनंत कोट मरवंट के रचनहार स्वामी कबीर साहब जी विराजमान ने, अदर सगासन जिंदा साई, अरबन सूर रोम सन नाहीं, हंस हरंबर चबर टलाई, ऐसा अगम अपारा है। कैसा है कबीर सतलोक के अंदर? अपना आप लिख रहे हैं की कह रहे ने, अदर सगासन जिंदा साई, सुनहरी रंग का सगासन है, पंचम किला तख्त सुल्तानी, सत लोक दे अथ गुमट ने, अठ टाकी तारे देखा देखा पुरश निहारा। बाबा नानक जी कहते ने वो सचखंड दे अठ गुमट ने, जिदा मसीत होंगे पंज दरवाजे ने, वो अंदर मार जी कहते ने अदर सगासन जिंदा साई, जड़ा कि अरबा खरबा को लंबा उच्चा है, वह किसी ने अंत नहीं पाया, किसी ने देखा भी नहीं। तो देखा होंगे इतने थोड़े बैठे होंगे, फिर गए होंगे। मैं हमेशा जो सत्संग करते गल कहना वापस आ जाओ, मैं कहते जी अच्छी तो बैठे हैं पंडाल से, घर फिरते पे हाँ, झोने चो ताल करते पे हाँ, बच्चे स्कूले छड़न इतने तो कोई भी नहीं। जे इतने असी होंगे साड़ी गल बन जाती, पर बनी नहीं। अदर सगासन जिंदा साई, अरबन सूरज रोम सम नाही, हंस हरंबर चबर डलाही, ऐसा अगम अपारा है। ऐसा कहते वो देश है, फिर कहो जा ऊंचा महल अज बरंग बंगला। तो बात सुन लियो, रिकॉर्ड करते पे है, ऊंचा महल आज रंग बंगला, वहाँ साई की सेज लगी फूलन की। कैसा है परमात्मा, कैसा है सतलोक? ऊंचा महल आज बरंग बंगला, वहाँ साई की सेज लगी फूलन की, तन मन सुरत सवार वह सुरत कर पिया मिलन की, कहे कबीर सुनो पे साधो कुंजी बता दो ताला खुलन की, जल में साधो आग लगी मैं देखी आज तमाशा। पानी नू आग लगी देखी नहीं देखी, पर महाराज जी कह रहे हैं परब्रह्म के अंदर अग लगी हुई है। लालन मेरे लाल की जित बल देखूं लाल, लालन देखण मैं गई कबीर मैं भी हो गई लाल, जल में साधो आग लगी मैं देखिया अज तमाशा, सुकड़ बेल फुलक मनाए जड़ काटी फल लागे, उपर कुआ हेठ पनहारी,
जल काढ़े में लाजू, कहे कि बिन सोरों पै साधो, जे फल है अकेला। जो इस शब्द के अर्थ समझावे सो गुरुआ हम चेला। जल में साधो आग लगी, मैं देखिए आज तमाशा, सुक्कड़ बेल फुलक मनाए, जड़ काटी फल लागे, ऊपर कुआ हेठ पनहारी, जल काढ़े में लाजू, कहे कि बिन सोरों पै साधो, जे फल है अकेला। जो इस शब्द के अर्थ समझावे सो गुरुआ हम चेला। मैं अर्थ नहीं करूँ इस बाणी दे, महाराज ने पाबंदी ला दी है, ये अर्थ शांति करनी है। कितने अग लगी है? जे असी भजन ते बैठते हैं, जे असी सिमरन ते बैठते हैं, कि अंदर असी उस पंचता परमात्मा का दर्शन किया? सह शरीर है परमात्मा साढ़े वर्गा है, पर इत्थे है नहीं, ना होने दे दिशत नहीं, दिखाई भी दिंदा है, गुप्त भी है। जो एक बारी प्रगट हो जाएगा फिर सानू दिखाई देगा। महाराज का लेखा निकाल दूँ, सुरत शब्द का अभ्यास, सारी दुनिया कहती सुरत शब्द का अभ्यास करो, समाधि लाओ, समाधि लाओ, समाधि लाओ। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी का विहंगम मार्ग सी, वैसे चार मार्ग हैं, सुरत शब्द का मार्ग भी है, पैरों की तलियों तो लैके कमर तक एक क्यूंटी मार्ग है, हौली हौली तवज्जो साड़ी उपर आएगी, कमर तो लैके अखां तक ये मकड़ी मार्ग है, गिरदा है चढ़दा है, ध्यान करते हैं गिर जाता ध्यान, रात को भजन ते बैठते हैं खारश हुंदी है, गोडे दुखते हैं, कमर दर्द करता है, कुरिंगों वाले जानवर साढ़े जिसम से चलते हैं, ये तुंदरता अवस्था है काल की तरफ, सानू भजन ते नहीं बहन देना। तीसरी अवस्था है मीन मार्ग, पैरों के तलियों तो लैके सुर की चोटी तक मीन मार्ग है, मच्छी चढ़ती है चढ़ते तरफ चढ़ती है जिधर पानी आता हो। ये तो तीन मार्ग कोई कर नहीं सकता, औखा अष्टांग मार्ग है, प्राणायाम मार्ग है, रेच रुचक कुंभ करेज कई तरह के मार्ग ने, पर महाराज ने सानू किसी भुलेखे च नहीं पाया। कहते भाई मेरा मार है विहंगम, इतों अड़ारी मारी जमीन तो पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की चोटी तो अड़ारी मारी नीचे, इनू महाराज ने आख्या विहंगम मार्ग। महाराज गरीबदास जी का और महाराज कबीर साहब का मार्ग सा विहंगम, विहंगम से जावे खुलिया अखा खुदा लभेगा। ये बड़ा अफसोस है, दुख भी आता बड़ा, भजन सिमरन वास्ते साधन बता के साढ़े वास्ते उन्होंने बहुत उपराला किया संतान ने, पर असं उन्होंने लिहाज ही नहीं किया। बाबा नानक जी ने अज मत्था टेक रहे हैं, असं उन्होंने तो चक्कियां फसाइया, कुराइया क्या रोड़े मारे, साहब श्री पंचम पातशाह शहीदा के सरताज, शांति के समुंदर दया के सागर, उन्होंने तत्तियां तवियां ते बिठाया गया, मनसोर नू चुराहे च बिठा के रोड़े मारे, छम तबरेज नू उहदी पुट्ठी खल उतार दित्ती। पलटू साहब जी एक महाराष्ट्र में संत होए ने, उन्होंने दरख्त ना बन के जींदे जी मिट्टी का तेल पा के साड़ दिता सी, मुहम्मद जी मार के दंद तोड़ दिते, मक्के तो कट के मदीने भेज दिता, मीरा नू जहर दे प्याले प्याले, महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब नू 52 बार मौत की सज़ा होई, रविदास जी महाराज नू 6 बारी मौत की सज़ा होई। जब मेरा सवाल है तुहानू, इन्हां लोकां दा क्या कसूर था बताओ? क्या सानू इन संतां ते तरस नहीं आया कि इन्हां दी गल सानू परवान नहीं होई, कि इन्हां दा सुभाव सानू चंगा नहीं लगा, शराबा कबाबा तो हटा के नाम की बंदगी कराई, उन्होंने असी सजावं दित्तियां, अज मत्थे टेकते फिरते हैं। जब बापू जिउंदा सी उदों धक्के मारे, जदों बापू मर गया मड़िए ते दीवे पाए, क्या फायदा भाई? आओ मुड़ के वापस, 8,640 साल 84 लाख जून भुगतन वास्ते लगते हैं, फिर कितने इंसान का चोला मिलता। पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोमिल मिण की ए तेरी बरिया,
अबर का चर किते ना काम मिल साध संगत पज केवल नाम। ये नाम की कवाई वास्ते मिले सी शरीर, ये शराबा पींदा रहा मास खांदा रहा। जे कुकर को खान है मांस क्यों खाए, कबीर साहब जी लिखते हैं कुत्तियां दा खाना मांस ते इंसान क्यों खाए। रहत मर्यादा बेच रहे हो, रहत प्यारी नंद लाल जी सिख प्यारा ना है। सर्वलोक ग्रंथ के अंदर महाराज जी दसवें पातशाह लिखते हैं खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मिंकुन पर खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूँ निवास। खालसा मेरा सज्जन परवारा, खालसा मेरा करतो उदारा, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा पर परमात की मौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लू तेज में सारा, जब बह जहे विपन की रीत, तब ना मैं करूँ उनकी प्रति। जे मेरा हुक्म ही नहीं मनना तो फिर इतने दरबार साहब मत्था टेकन का भी कोई मतलब नहीं। जे शराबें ही पीनी आ, जे गुरु का हुक्म ही नहीं मनना, जे गुरु की सेवा बच ही नहीं रहना, फिर कित भी जान का कोई लाभ नहीं। इस करके भगत जनों आ विचार करो कि असी उस परम पिता परमात्मा में बिछड़ के असी किन्ना दुख पाया। स्वामी जी महाराज मेरी बड़ी कामना सी, मैं 2014 तो मैं थोड़ा अपने जिक्र कर दूँ। 2014 तो मैं सारे संतों को बेनती की ये सतलोक का बहुत अखीरला सुनेहा ये अर्थ हो जान। श्री श्री महंत श्री दयासागर जी माशू राणी धाम उन्होंने भी बहुत बार बेनती की महाराज जी ये बाणी सतलोक की है, बहुत लेट है, ये अर्थ हो जान। अच्छा राणा जी उपराला करेंगे, कई बार जरूर जाना। उदो महाराज जी बड़े सील च सन तो उन्होंने भी मैं बेनती की महाराज जी इस दरबार साहब के अर्थ हो जान। वो चल गए को आके बेनती की महाराज जी ये सत लोग की बाणी है इन्हों के अर्थ हो जान। ये मैनू कहंदे राणा जी कुछ अर्थ किए हुए ने तो इन्होंने काफर बोध तिलक ज्ञान नितनेम महाराज गरीबदास जी महाराज का जीवन होर भी कई उन्होंने इन्होंने शुरू किया है। तो मैं सबनों बेनती करूँगा कि जड़िया किताबा अर्था समेत छप चुकिया ने महाराज स्वामी जी ने छपा दतिया ने वो कृपा करके सारे जाने जिन्हें भी आप है सत्संगी महाराज के लड़ लगे आप सारे वो ग्रंथ पढ़िए जड़िया ने अर्थ किए हुए हैं ता कि आप अगे तुरीए। कुछ मेरे सज्जन दिल्ली सन मैं उन्होंने भी वो किताबा भजवाइया इन्होंने को तो इस करके आप हमला मारीे बोलों बहुत कुछ है। मेरे भाई साहब बराजमान ने तखत मैं इन समा दूँ, मैं तो देखता जो कोई आवे तो मैं लम्मा समा नहीं बोलना चाहता। इस करके मेरी ये बेनती है कि जिन्हें भी पुस्तक छप चुकिया ने स्वामी जी महाराज श्री श्री शंकरानंद जी महाराज ने छपाइया ने अगर तुम काफर बोध पढ़ोगे थोड़ी आत्मा तसली हो जाए। इतना वधिया लिखे मैं खोजी आदमी हाँ, मैं गल तो गल करता। इस करके जिन्हें भी आप संगी हो सारे जाने ये तीन पुस्तक ले जाके पढ़ो, अपने साथियों अपने गुआढ़ियों अपने रिश्तेदारों पढ़ाओ ताकि महाराज का प्रचार लोगों च जाए। इन्ने शब्दों ना मैं मुआफ़ी मांगू, अजय मैं जो कुछ बोलना मैं बोल नहीं सकिया, फिर समा लगूँ मैं बोल दूँ। भाई साहब जी तख्त विराजमान मैं इन्होंने समा दूँ, अगर मेरे बोलदियाँ कोई जल्दी ना मैं बोलिया भी ज़्यादा बोलिया जाए तो मैनू माफ़ करना। अगर कोई थोड़ी शान के खिलाफ शब्द ये रचना चो निकल गया तो भी माफ करना। सत्सहे सत साहेब परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना दे महाबाक अनुसार गुरु महाराज जी का कीर्तन जथे वालों कीर्तन दवान सजाया जा रहा सी। हुण आप जी नू श्रीमान संत बाबा धर्मपाल सिंह जी धमोट वाले कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। सारा ने अपनियां मनोबिरतियां सतगुरां दे चरणां दे विच ध्यान करके महापुरखां दे कमाए होए कीमती बचन सरवण करने हन। सत साहिब
ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਿੰਡੋਤ ਵੰਦਨ ਅੰਤਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆਇਆ ਭਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤਨ ਤੋਕਿਆ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਗੁਰਬਣ ਤਨ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤਨ ਤੋਕਿਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤਨ ਤੋਕਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਉਹ
सेवा
करके मान पाईंगा। संगत जी ख्यालों नूं बाहर जाण तों रोको, नेत्रां दे नाल गरीब दादियां दी पवित्र बाणी पवित्र स्वरूप दे दर्शन करो जां अंतरमुख हो जावो। कन्नां दे नाल इलाही बाणी दा कीर्तन, इलाही बाणी दी विचार, प्रभु प्यारियां दियां कथा कहानियां प्रेम दे नाल सरवण करो। देवा दे नाल अपनी अपनी बारी दे विच गुरबाणी दी जिहड़ी धारना है, टेक है, उहदे विच गज वज के बोलिया करो, क्योंकि जिहड़ी रसन है, जिहड़ी जेब है, इहनूं पवित्र करन दा इको एक साधन है परमेश्वर दे गुणा नूं गायन करना, गुण गाउणी, प्रभु प्यारियां दियां बड़ियाइयां करनियां, गुरु दी महिमा दा गायन करना इतियादक करन दे नाल है पवित्र ते सफल हुंदी है। नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना, बुद्धि दे नाल गुरु शब्द दी विचार करिए, इंज करन दे नाल मन कागरता दे घर दे विच चला जाएगा। जितना कहदा मन कागर है उतना अत्यंत सुखी है, जितना किसी का मन खंडा दे विच है उतना हो अत्यंत दुखी है। धन संत महाराज, धन धन संत बाबा ईशा सिंह महाराज जी, राड़ा साहब वाले कारक महापुरश, जिहड़े मात लोग दी धरती उत्ते पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां नूं पैदा करन वास्ते आए, वो आम ही धार्मिक ग्रंथां दा हवाला दे के प्रवचन करिया करदे सी। कहिंदे संगत जी संसार दे दो प्रकार दे लोग रहिंदे हन, एक सुखी एक दुखी। सुखी दुखी नर जगत में धर्म करे जे कोई, कहिंदे जिहो जिहा आपां हुण कार्ज कर रहे हैं, सब तो श्रोमणी भगती कीर्तन भगती, कलयुग में कीर्तन प्रधान, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे हर दर के पास्यों जाएगा। ऐसी वडियाई है कीर्तन भगती दी, जिहड़े ऐसे धर्म दे कार्ज करदे हन। जे सुखी पुरश करेगा सुखां विच वाधा होएगा, दुखी करेगा दुखां दा खात्मा होएगा। सारिआं ने पढ़िया संगत दी सेवा दे नाल
दरगाह दे विच साध संगत जी माण मिलता है, वड्याई मिलती है ऐसे बचन ने सेवक की बाबत सेवा की बाबत। बिच दुनिया सेवक माइए तन धर के वै तन पाइए, सेवक माइए तन धर के वै तन पाइए, कंदर के तन पाइए। कहो नानक बाल दाइए, कहो नानक बाल दाइए, कहो नानक बाल दाइए, कहो नानक बाल दाइए, कहो नानक बाल दाइए। दुनिया सेवक माइए चंदर के वतन पाइए, लोग दी धरती उत्ते कोई किसे सतपुरश की पूर्ण पुरख की आग्ञा अनुसार सेवा करता है, कहिंदे उहदी सेवा थां पैंदी है। बिच दुनिया सेव कमाई है तन दरगह वैसन पाई है, सच्ची दरगाह दे विच उहनूं सदा वास्ते थां मिलदी है। कहो नानक वाह लुटाई है, गुरु साहिब पारब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी उहदे नाल प्रेम लड़ाउंदे हन। जिहड़े सचखंड साहिब दे विच वासा है साढ़े सतगुरां दा, उत्थे उह सेवक निर इच्छत निष्काम सेवक है जिहड़ा इच्छा तो रहित हो के सेवा करता है, वह दरगाह दे विच चलिया जांदा है। सेवा करनी घोर काल युग दे भयानक समय दे विच साध संगत जी औखी है। सेवक दी डेफिनेशन, सेवक दी परिभाषा धन धन आदि गुरु नानक देव महाराज जी इस तरीके नाल भाई आपां नूं समझाउंदे हन। हांजी, सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच ध्याया, उनी मंदे पैर न रखे ओ
ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੰਦਨਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੀ ਅਗਲਾ ਨਸੇ ਵਚਨ ਸੁਆਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵਜਾ ਪਾਇਆ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸ਼ਨਾਲੂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸ਼ਨਾਲੂ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੂਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨੂਆ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਸ ਕੋ ਕਿਸੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਝੁਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਚੌਥੇ ਪਤ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਚੌਥੇ ਪਤ ਕਰੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤੇ ਪਤ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤੇ ਪਤ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ।
प्यारे जी रब दी जोते पत करे प्यार हो रब दी जोते पत करे श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना उदा सारी श्रेष्ठ का राज है जेड़ा साध संगत जी परमेश्वर की बंदगी करता है संसार तदे उदे नेड़े लगता है क्योंकि तिसकी धूड़ मल उदर प्रभु होए सो प्रसन्ना कि उन्हां दी चरणां दी धूड़ किसी कर्मां वाले भागां वाले नूं मिल जावे उहदे करोड़ां पाप कर्म कैंसल हो जांदे ने उहदे ते वी अकाल पुरख वाहिगुरू प्रसन्न हो जांदा धूड़ी लैण वाले उत्ते वी तदे धार गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी आपां नूं सारिआं नूं हदायत है दान महिंडा तली खाक जे मिले तां मस्तक लाई है कहिंदे महात्मा दी जे चरण धूड़ मिल जावे चुके मस्तक दे नाल लाउणी चाहीदी है दान महिंडा तली खाक जे मिले तां मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है कहिंदे इक रहत है उहदे कूड़ा साध संग जी जिहड़ा होवे भी होवे बिना उहनूं कूड़ कहे है झूठ होर हुंदा जिवें संसार है भी नहीं संसार तो संसार दे विच संसारी लोग विचरदे ने लेकिन रहण दी जगह कोई और है जिथे जाए तद वर्तना तिसकी चिंता नहीं
ਜੋ ਕਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤਦ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਦਾਰਥ ਕੂੜ ਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਲਾ ਕੇ ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰ ਇੱਛਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਹਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੀ ਮੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ, ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਲਾਜ, ਕੁੱਲ ਲਾਜ, ਵੇਦ ਲਾਜ, ਲਾਜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰਜ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੂੜ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੂੜ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਆਏ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰਾਏ। ਆਹ ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣ, ਤੇਰੀ ਆਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਕਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਕਾਨ ਵਾਲਿਆ,
हक पराया कान वाले बाबा बाबा हक पराया कान वाले हक पराया नानका उस सूअर उस गाय गुर पीर हम ता भरै जा मुरदार ना खाए। पंचम पातशाह महाराज जी कहन लगे भाई मंज उन्हां उत्ते जीवन का हक है तेरी सेवा का थां नहीं पैंदी। कह लगे महाराज जी की करा कहानों की किरत कर पल्यों छकया कर फिर सेवा करया कर फिर थां पएगी। ऐसा ही होया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया बड़ा घट छक है जिन्हां ने मंजिल दे पहुंचना हुंदा तू बख्शीसी अगला। कहिंदे बख्शां किसे सतपुरशां दे कोलो हुंदियां ने नित देवै चढ़ै सवाया ओ नित नवें दिन मंजिलां सर करवा देंदे है जिहड़े आ पहुंचे हुए है। वडियाई वड्डा पाया परमेश्वर दियां वडियाईयां करके वो वड्डे दी प्राप्ति हो जाती है। आओ साध संगत जी जिन्ना समा मैनू महाराज जी ने हुक्म किया सी उन्ना समा हो चुकिया है। दासता सरवण करन वास्ते आउंदा है ता ही मैं जथा नहीं लैके आया सी ना ना साज लैके आया सी। महाराज जी कहिंदे अज कीर्तन की हाजरी भरनी है क्योंकि आपां तां उहनां दा हुक्म मनना है। साध संगत जी आओ इतनी सेवा प्रवान करनी दास ने कीर्तन की सेवा धन धन सचखंड वासी संत महाराज संत बाबा बलवंत सिंह जी राड़ा साहब लंगर वाले श्री मन महाराज जी उन्हां महापुरशां की कृपा द्वारा अते स्वामी शंकरानंद जी महाराज का हुक्म आंदियां होइयां भाई कीर्तन की सेवा निभाई है। सेवा निभाउंदियां कोलों बहुत भुल्लां हो गई होणगियां मैं जे ने जाणा मैनूं खिमा कर देनी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नियां भी संगतां दरबार तों बाहर ने उन्हां दे चरणां च बेनती है भी दरबार साहिब च पहुँचो कोटन कोट धन्नवाद बाबा धर्मपाल सिंह जी ढमोटवाले जिन्होंने कीर्तन द्वारा निहाल किया। हुण स्वामी ओमानंद जी आप संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल करनगे उपरंत समाप्ति हो जाणी आ। सारियां संगतां दे चरणां च बेनती है कि महापुरखां दे अनमोल बचन आपां सरवण करिए। बोलो संगत जी सात साहिब Thank you.
धर्म सत्कार योग गुरु स्वरूप गुरु सतसंगत जी सो वड्डे भाग ने आप संगतां दे भाई जिन्हां नूं सतगुरां दे पावन पवित्र स्थान तप स्थान धाम तलवंडी खुरद विखे महीने बाद शुभ अष्टमी के दिहाड़े नूं मुख रखदे आं सतगुर भूरी वालियां दे तप स्थान विखे गुरु महाराज की कृपा सदका अष्टमी का दिहाड़ा आप संगतां वल्लों बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। सो अज भी अष्टमी के शुभ दिहाड़े नूं मुख रखदे आप संगतां सतगुरां दे इस स्थान विखे धाम तलवंडी खुरद विखे विराजमान हो अपने समय नूं जीवन नूं स्वासा रूपी पूंजी नूं सफला करन लई आए हो। सत्संग दी बड़ी महानता है, जिहड़ा जीव सही महीनों दे विच सत्संग दे विच जुड़ बैठता है एकाग्र बिरती करके कीर्तन भाई सरवण करता है उसका सहज ही कल्याण हो जाएगा। प्राणी तू आयो लाहा लैण लगा किस को फकड़े सब मुकदी चली रैण। अज लाहा लैण लई भाई आए हो, सारिया ने लाहा लैना है, संतां महापुरखां दे दर्शन कर रहे हो। दास तो पहलां साढ़े बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा धर्मपाल सिंह जी ने आप संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल कीता है, अपने कमाए हुए प्रवचन भाई सरवण कराए ने। सो समा भी समाप्ति वल नूं जा रहा है, जितना भी टाइम गुरु महाराज जी ने हुक्म कीता सी भी इन्ने टाइम ते समाप्ति कर देनी है। सो टाइम डेढ़ बजन वाला है, डेढ़ बजे गुरु महाराज जी ने हुक्म कीता सी कि कीर्तन की समाप्ति कर देनी है। गुरु महाराज जी नितनेम कर रहे ने, इस करके गुरु महाराज जी ने दर्शन नहीं दिते। वैसे तो साधु सन विराजमान ही होया करते ने। सुआओ दास एक धारना पढ़ेगा, धारना तो उपरंत गुरु स्तोत्र पढ़िया जाएगा, उस तो उपरंत भाई धन धन जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी की गुरबाणी के विचों हुक्मनामा लिया जाएगा। हुक्मनामा सरवण करन तो उपरंत गुरु की देग वरतेगी, गुरु का लंगर भी तैयार है, सतगुरां नूं भोग लग चुकिया है, भोग लगे अमृत बन जाता है। वो भी सारी संगत ने किणका गिणका ग्रासना है, गुरु का लंगर छकना है। सो आओ दास धारना पड़ेगा, सारी संगत ने उच्ची बोलना है, सारा हाल गूंजे, सारी संगत ने अपनी रसना नूं पवित्र करना है,
कोई भी प्राणी बिना बोले तो नहीं रहना चाहिदा। सारे ने उच्ची देने अपनी भाई हाजरी लगवानी है। नाम जप लैन माणी जंदे मेरिए दर सच कम आऊगा। नाम जप लैन माणी जंदे मेरिए दर सच कम आऊगा। दर सच कम आऊगा। नाम जप जप लैन माणी जिंदे मेरिए दरगाह च कम आऊगा। नाम जप लैन माणी जिंदे मेरिए दरगाह च कम आऊगा। नाम जप लैन माणी जिंदे मेरिए दरगाह च कम आऊगा। जप लैन माणी जंदे मेरिए बई दर गाच कम आऊगा। जप लैन माणी जंदे मेरिए दर गाच कम आऊगा। जप लैन माणी जंदे मेरिए दर गाच कम दरगाच कम आऊगा। नाम जप लैन माणी जिंदे मेरिए दरगाच कम आऊगा। दरगाच कम आऊगा। दरगाच जी नाम कम आऊगा। दरगाच कम आऊगा। दरगाच कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। दरगाच जी नाम कम आऊगा। दरगाच जी नाम कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। दरगाच जी नाम कम आऊगा। दरगाच कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। दरगाच कम आऊगा। दरगाच जी कम आऊगा। जप लैन माणी जिंदे मेरिए दरगाच कम आऊगा। नाम जप लैन माणी जिंदे मेरिए दरगाच कम आऊगा। नाम जप लैन माणी जिंदे मेरिए
दरगाह जका में आऊगा। ओ नाम जप ले नवाणी जिंदे मेरीए, ओ दरगाह जका में आऊगा। जप ले नवाणी जिंदे मेरीए, दरगाह जका में आऊगा। ओ नाम जप ले नवाणी जिंदे मेरीए, दरगाह जका में आऊगा। वीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाके पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। सुहाओ सारी संगत ने भाई गुरु स्तोत्र सरवण करना है। धन है धन है धन है सतगुरु रामानंद जी, धन है धन है धन है धन है गुरु रामानंद जी, धन है धन है धन है रामानंद जी, धन है धन है धन है धन सतगुर कबीर साहब जी, धन है ओ धन है धन है धन है सतगुर कबीर साहब जी, धन है धन है धन है धन है सतगुर कबीर साहब जी, धन है ओ धन है धन है धन है सतगुर कबीर साहब जी, धन है धन है कबीर साहिब जी, धन है ओ धन है धन है धन है कबीर साहिब जी, धन है धन है धन है सतगुरु गरीब दास जी, धन है धन है धन है धन सतगुरु गरीब दास जी, धन है धन है धन है धन है सतगुर गरीब दास साहब, धन है धन है धन है धन है सतगुर गरीब दास साहब, धन है धन है धन है धन है सतगुर गरीब दास साहब, धन है धन है धन है धन है सतगुर गरीब दास साहब, धन 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 सतगुर पुरीवाल साहब जी, धन 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 सतगुर पुरीवाल साहब जी, धन ओ धन है धन है धन है पुरीवाल साहब जी, धन है ओ धन है धन है धन है पुरीवाल साहब जी, धन धन है पुरी वाले साहेब जी, धन है ओ धन है धन है धन है पुरी वाले साहेब जी, धन है धन 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 सतगुर लाल दास साहब, धन 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 सतगुर लाल दास साहब जी, धन है ओ धन है धन है धन है सतगुर लाल दास साहब, ओ धन है धन है धन है सतगुर लाल दास साहब, धन है धन 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 सतगुर गंगानंद साहब जी, धन 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 सतगुर गंगानंद साहब जी, धन ओ धन है धन है धन है गंगानंद साहब जी, धन है ओ धन है धन है सतगुर गंगानंद साहब जी, धन सतगुर गंगानंद साहेब जी, धन 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 गुरुदेव पिता जी, धन 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 गुरुदेव पिता जी, धन ओ धन है धन है धन है गुरु गुरुदेव
जी धन है, ओ धन है धन है धन है गुरु गुरुदेव पिता जी धन है, धन है गुरु गुरुदेव पिता जी धन है, धन है धन है धन है गुरुदेव पिता जी धन है, धन है धन है धन है तेरी अमृत वाणी धन है, धन है धन है धन है तेरी अमृत वाणी धन है, धन है धन है धन है तेरी अमृत वाणी धन है, ओ धन है धन है धन है तन है अमृत बाणी तन, तन है तन है ओ तेरी अमृत बाणी तन, जीव सतवादी सब संत अपने अपने धाम आज अज की अचल भंगी है सत संगी, धन सत गुर उपदेश देवा चौरासी प्रभ मेटही, तेज पुंज तन देह धर कर स्विद हमको, शब्द निवास आकाश वाणी जो सत गुर का रूप है, चंद सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया धूप है, रहता राम ताराम साहेब अवगत अलह अलेख है, पुले पंत विटंब बादी कुल का खावंद है, रूम रूम में जाप जप ले अष्ट कमल दल, सुरत नरत कु कमला पाठव जांदी पकवन तेल है, हरदम खोज नोज हाजर तरबैणी के तीर है, दास गरीब सतगुर बंदी छोड़क वीर है, हरदम खोज नोज हाजर तरबैणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर है सात साहे, सात साहे कर्म परम का ग्रह रचिया जागृत सुपना देसा, सन सुखोपति में गए नहीं पाया ब्रह्म बदेसा, नगर नायिका बहुत है सखी सहेली है ना, काम कंदला खड़ी है निस्वासर नहीं चैना, साहर सवाया मुसलिया लूटे चोर कठोरा, प्राण परस को मारिए कर्म करे मन मोरा, मन माया खेलत फिरे साया स्थल बंद, लूट पीट कर उठ चले समझत नहीं आंदा, देश ग्रह तेरा नहीं दिन दस बनिया मकाम, कूच नगारा बाज सी साड़ चलिया सब धाम, उदय अष्ट का राज ले चक्रवर्ती हो जाए, जिनकी खैर न खबर है
शीश कूट पसताए बिना तनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोका चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोषा बिना तनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोका चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोषा सत साहेब।